हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? ठीक हैं? चलिए मैं लाइव आ चुका हूं। सारे बच्चे फटाफट जुड़िए, सारे बच्चों को मॉर्निंग, सारे बच्चों को मॉर्निंग, फटाफट जुड़िए। चले गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए बहुत सारे बच्चे जुड़ चुके हैं, चले गुड। सारे बच्चों को मॉर्निंग, संतोष जी आपको भी मॉर्निंग, सारे बच्चों को मॉर्निंग, फटाफट जुड़िए। जो बच्चे अभी तक नहीं जुड़े हैं उसे आज की क्लास का लिंक शेयर कर दीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं। आज के क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एस्नेक पोइम के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एंड आंसर। ओके, जो बच्चे अभी तक पोइम एस्नेक के एक्सप्लेनेशन नहीं सुने हैं, नहीं समझे हैं, तो उन्हें जाके आप अवश्य पहले सुनिए, पहले समझिए। यदि आप पोइम नहीं पढ़े हैं तो आपको एस्नेक पोइम के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं बनेगा। पढ़ोगे तब न बनेगा, जब तुम उसको पढ़ा ही नहीं है तो तुम्हें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहां से बनेगा। इसलिए अभी तक अगर आप नहीं देखे हैं पोइम के एक्सप्लेनेशन, तो उन्हें जाके आप अवश्य पहले सुनिए, पहले समझिए, उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाइएगा। चलिए तो शुरुआत करते हैं आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आपका बात करते हैं पोएट्री सेक्शन जो है, ये आपका नवा चैप्टर है एस्नेक, और उसी एस्नेक का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड आंसर हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, हु कंपोज द पोइम एस्नेक। एस्नेक कविता किसने लिखा है? आपके पास चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए है डब्ल्यू एच उडेन, ऑप्शन बी है जॉन डॉन, ऑप्शन सी है टी एस ए। तो मेरे प्यारे बच्चों राइट ऑप्शन बोलो, इन चार में से क्या होगा राइट ऑप्शन? चलो गुड, चलो गुड, राइट ऑप्शन आपका डी होगा। क्या होगा? डी एच लॉरेंस। चलो गुड, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, डी एच लॉरेंस कंपोज द पोइम। डी एच लॉरेंस ने किस कविता को कंपोज किए हैं, किस कविता को लिखे हैं? आपके पास चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन स्नेक है, टू ऑटम है, फायर हीम है, एन इपिटाफ है। मेरे प्यारे बच्चों जल्दी राइट ऑप्शन सेलेक्ट करो, राइट ऑप्शन जल्दी बोलो। चलो गुड, राइट ऑप्शन आपने सेलेक्ट किया ए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। द स्नेक लुक्ड एट द पोइट। स्नेक जो है कवि को किस तरह देखे, अर्थात कवि को स्नेक किस तरह देखे? तो आपके पास चार ऑप्शन है, सैडली देखे, भैगवली देखे या हैपली देखे। जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, चार में से कौन से ऑप्शन राइट होगा? सही जवाब आपका राइट ऑप्शन बी होगा, भैगवली देखे। चलो गुड, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, डी एच लॉरेंस कंपेयर्स द एस्नेक टू विच वर्ल्ड। डी एच लॉरेंस ने जो एस्नेक का तुलना किस चिड़िया से किया है? आपके पास चार ऑप्शन है, अल्बाट्रॉस, मैकेविटी, क्रॉ, सोल्जर। तो बोलो राइट ऑप्शन इसमें से क्या होगा? कवि ने एस्नेक की तुलना किस बर्ड से किया है? तो आपका राइट होगा ए, क्योंकि उन्होंने अल्बाट्रॉस नामक चिड़िया से तुलना किया था स्नेक का। राइट ऑप्शन आपका क्या होगा? ए होगा। चलो गुड, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन, वेयर डिड द स्पीकर मीट द स्नेक। स्पीकर का मतलब होता है कवि, तो कवि का मुलाकात स्नेक से कहां हुआ था, किस स्थान पे कवि का मुलाकात स्नेक से हुआ था? आपके पास चार ऑप्शन है, मिल्क टॉप, ऑयल टॉप, वाटर टॉप या फिर। इन चार में से किस स्थान पे कवि ने स्नेक से मिले थे? तो आपका राइट होगा सी, वाटर टॉप पे कवि का मुलाकात
हुआ था स्नेक से। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। डी एच लॉरेंस बिलोंग्स टू, डी एच लॉरेंस किस देश से बिलोंग करते हैं? आपके पास चार ऑप्शन है, अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी। इन चार में से राइट ऑप्शन बोलो, जल्दी बोलो, चार में से राइट ऑप्शन। चलो गुड, तो राइट ऑप्शन आपका होगा इंग्लैंड। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। कहता विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट द वर्क्स ऑफ डी एच लॉरेंस। इन चार ऑप्शन में से कौन ऑप्शन जो है डी एच लॉरेंस की वर्क्स नहीं है, रचना नहीं है? इस चार ऑप्शन में से कौन से ऐसे ऑप्शन है जो डी एच लॉरेंस की रचना नहीं है? तो मेरे प्यारे बच्चों, आपके चार ऑप्शन में सॉन्ग्स एंड लवर्स है, द एज ऑफ एनेक्सिटी है, द रेनबो है, द व्हाइट पिकअप है। तो बताइए इन चार रचना में से कौन सी रचना डी एच लॉरेंस का नहीं है? तो आप यदि पढ़े हो तो आपको पता होगा द एज ऑफ एनेक्सिटी जो है वह डी एच लॉरेंस की रचना नहीं है, केवल सॉन्ग्स एंड लवर डी एच लॉरेंस की रचना है, द रेनबो डी एच लॉरेंस की रचना है, द व्हाइट पिकअप डी एच लॉरेंस की रचना है। तो आपका राइट ऑप्शन होगा बी। ओके चलो गुड, अगला क्वेश्चन लेते हैं। हु केम टू द वाटर टॉप ऑफ द पॉइंट, कवि के वाटर टॉप पर कौन आया था? ए बेगर, ए बॉय, ए स्नेक, ए बर्ड। बोलिए जल्दी बोलिए, इन चार में से कौन आया था कवि के वाटर टॉप पे? तो आपको पता है वो आया था स्नेक। राइट ऑप्शन आपका सी होगा, राइट ऑप्शन सी होगा। चलो गुड, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। व्हाट वाज द कलर ऑफ द स्नेक, स्नेक का कलर क्या था? येलो ब्लैक था, ब्लैक था, गोल्ड था, या येलो ब्राउन था? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो इन चार में से कि कौन से ऑप्शन राइट होगा। तो राइट ऑप्शन आपका डी होगा। चलो गुड, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। वेयर फ्रॉम हैड द स्नेक कम, स्नेक जो है वह कहां से आया था? ए पॉन्ड से आया था, ए हाउस से आया था, ए फिशर से आया था, ए फील्ड से आया था। मेरे प्यारे बच्चों, यदि आप पोइम का एक्सप्लेनेशन सुने हो तो आपको जरूर पता होगा स्नेक कहां से आया था। तो आया था एक फिशर से आया था, एक क्रैक से आया था, एक छिद्र से आया था। चलो गुड, अगला क्वेश्चन लेते हैं। वाइल ड्रिंकिंग वाटर, पानी पीने के दौरान द स्नेक, स्नेक जो है लिफ्टेड उठाया हिज हेड, अपने सिर को उठाया, किस तरह उठाया? अर्थात कभी कह रहे हैं जो स्नेक पानी पी रहा था, तो पानी पीने के दौरान स्नेक अपने सिर को किस तरह उठाया? एक बर्ड की तरह उठाया, एक मैन की तरह उठाया, एक केटल की तरह उठाया, एक डॉग की तरह उठाया। तो यदि आप पढ़े हो तो जरूर पता होगा वह केटल की तरह अपने सिर को उठाया था, एक मवेशी की तरह अपने सिर को उठाया था। चलो गुड, अगला क्वेश्चन लेते हैं। व्हाट इज इटना, इटना क्या है? तो नीचे में दिया गया, इटना इज ए वोल्केनो, इट मींस माउंट इटना इज ए प्लेस एट सिसिली इन इटली। अर्थात इटना जो है, इटना एक ज्वालामुखी का नाम है जो इटली के सिसिली में फटता है। तो आपका इटना क्या है? वोल्केनो, ए डेजर्ट, ए लेक, ए रिवर। तो बताइए इनमें से आपका राइट क्या होगा? ए वोल्केनो होगा। चलो गुड, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। विच मंथ हैज बीन मेंशन्ड इन द पोइम ऑफ स्नेक, स्नेक पोइम में किस माह की चर्चा किया गया था? जल्दी बोलो मेरे प्यारे बच्चे, राइट ऑप्शन क्या होगा? चलो गुड, राइट ऑप्शन आपका होगा जुलाई। इस कविता में जुलाई माह की चर्चा किया गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। इन सिसिली ब्लैक स्नेक आर इनोसेंट, सिसिली में जो काले स्नेक होते हैं वो इनोसेंट होते हैं, वो जहरीला नहीं होता, बट परंतु डैश आर वेनोमियस। ऐसा कौन सा स्नेक है, किस कलर के स्नेक है जो वो वेनोमियस होता है, जहरीला होता है? वो कौन स्नेक है? रेड स्नेक है, या ग्रीन स्नेक है, या व्हाइट स्नेक है, या गोल्ड स्नेक है? जल्दी बोलो। चलो गुड, राइट ऑप्शन आपका डी होगा, वो गोल्ड स्नेक है जो जहरीला होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। व्हाट डिड द पोएट फर्स्ट थॉट टू सी दैट येलो ब्राउन स्नेक,
कभी जो है येलो ब्राउन स्नेक से जब मिले उनको देखे तो सबसे पहले क्या सोचे, टू सेव उसे बचाएं, टू कैच उसे पकड़े, टू किल्ड उसे मार दे, या इन तीनों में से ऑल, तीनों का तीनों। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको पता होगा इस कविता में कभी सेव की बात नहीं किया है, नहीं उस स्नेक को पकड़ने की बात किया है। कविता के बीच में उसे कहीं न कहीं कभी के माइंड में मारने की विचार आ रहा था, इसलिए राइट ऑप्शन आपका सी होगा। चलो गुड, अगला क्वेश्चन लेते हैं। वाज द स्पीकर ग्लेड एज ए होस्ट, क्या कभी खुश थे, क्या कभी हैप्पी थे जो वो अतिथि जो उनके यहाँ आया था पानी पीने के लिए, क्या उनको देखकर कभी हैप्पी थे? आपके पास या तो यस की जवाब होगा या तो नो की जवाब होगा, जल्दी बोलो। स्नेक जो वाटर टॉप पर आए थे तो क्या कभी खुश थे या नाराज थे? तो आपका खुश थे यस या नो, तो आपको जवाब होगा यस, खुश थे, आपका राइट ऑप्शन होगा ए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है। व्हाट डिड द पोएट थ्रू ऑन द स्नेक, स्नेक के ऊपर कवि ने क्या फेंके थे, एक स्टिक फेंके थे, एक स्टोन फेंके थे, एक क्लैम्सी लॉक फेंके थे, या ही शू अपने जूता खोलकर फेंके थे, जल्दी बोलो। तो राइट ऑप्शन आपका होगा क्लैम्सी लॉग, आपकी पोइम में चर्चा किया गया क्लैम्सी लॉग का, राइट ऑप्शन आपका सी होगा। चलो गुड, अगला क्वेश्चन लेते हैं। हु वाज द सेकंड कमर एट द वाटर टॉप, अर्थात वाटर टॉप पे सेकंड कमर कौन थे, अर्थात सेकंड नंबर में दो नंबर में कौन आए थे? स्नेक आए थे, एक लड़का आए थे, द पोएट एक कवि आए थे, द डॉग एक कुत्ता आए थे, मतलब सेकेंड नंबर पे दो नंबर पर कौन आए थे? तो आपका जवाब होगा कभी आए थे, राइट ऑप्शन सी होगा। चलो गुड, अगला क्वेश्चन लेते हैं। काता द पोइट वाज वियरिंग, कभी क्या पहने हुए थे, पाजामा पहने हुए थे, शर्ट पहने हुए थे, स्वेटर पहने हुए थे, या तीनों चीज पहने हुए थे, जल्दी बोलो। राइट ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन, चलो गुड, ए होगा आपका राइट ऑप्शन ए होगा, वह पाजामा पहने हुए थे। चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं। द स्नेक अपीयर्ड, स्नेक जो है स्नेक को प्रस्तुत किया गया था, वह किस तरह प्रस्तुत किया गया था? चार ऑप्शन में किंग की तरह दिखाया गया था, डॉक्टर की तरह, टीचर की तरह, किस तरह दिखाया गया था? तो एक किंग की तरह कवि ने दिखाए हैं, एक जो है वह एग्जाइल एक वनवासी राजा है, एक वनवासी राजा की तरह स्नेक को प्रस्तुत किया था इस कविता में। तो मेरे प्यारे बच्चों ये 20 ऑब्जेक्टिव था स्नेक पोइम का। सबसे पहले आप 20 ऑब्जेक्टिव को ध्यान से पहले पढ़ोगे, उसको बनाओगे, उसके बाद बताया गया है उससे तुम मिलान कर लोगे। ओके, चलिए अगले क्लास में आपको बताया जाएगा स्नेक पोइम के एक्सप्लेनेशन, शॉर्ट क्वेश्चन और साथ ही साथ आपको समरी, यह एक ही क्लास में यह तीनों का तीनों टॉपिक कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो चलो हम मिलेंगे फिर अगले क्लास में, आज के लिए गुड नाइट।